आज हम लोग ये वाला सोफा पूरा क्लीन करवा रहे हैं। वैसे तो ये किया था दिवाली में, करते भी रहते हैं वैक्यूम क्लीनर से, पर ना फिर भी उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। और ये वाला जो कवर है ना, ये वॉशेबल है, हमने इसको एक बारी वॉश भी किया हुआ है। पर जो बैंगलोर का मौसम रहता है ना, उसमें रिस्क नहीं लेना है कि सूखेगा नहीं सूखेगा। तो बहुत दिनों से मन था ना कि थोड़ा सा इसको क्लीनिंग की जरूरत है, तो हमने बुलाया है बंदा, अभी वो आएगा और इसको शैम्पू करके क्लीन करेगा। पर एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम करवाया है, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग इतने अच्छे से इसको ड्राई करके जाते हैं ना, कि सोफा आपका ड्राई हो जाता है इमीडिएटली, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसीलिए मैंने रिस्क लिया इसको विंटर्स में करवाने का। पर अभी बंदे ने ड्राई वैक्यूमिंग तो कर दिया शैम्पू के बाद, पर वो कह रहा है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे, आपको फुल स्पीड में फैन चला के रखना है, उसको सुखाना है, धूप में मत रखिएगा वरना ये धूल अट्रैक्ट करेगा क्योंकि गीला है। तो अभी 4 से 5 घंटे जो फैन ऑन रखना है ना, उस पर जो ठंड लग रही है ना, मतलब पूरे घर में सोचिए कितना स्पीड में फैन घूम रहा है। तो मैं चली मास्टर बेडरूम में बैठने के लिए, गेट बंद करके अंगद बैठेगा ऑफिस रूम में और 4-5 घंटे बाद ही हम लोग बाहर आएंगे। एंड होपफुली ये सूख जाए, वरना ना अभी विंटर है, आपको पता है बैंगलोर में क्या हाल होगा। इतना मोटा मोटा मैंने कर तो दिया। जाने से पहले कॉफी बनाने के लिए एक्चुअली मैं किचन में आई हूँ, तो कॉफी लेती हूँ और चलती हूँ। कॉफी अपनी रेडी हो गई है और जिस चीज में पी रही हूँ ना, कितना सुंदर कॉफी मगे, देखिए ब्लैक एंड स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन है। तो ये इंडस वैली का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और ये है वैक्यूम इंसुलेटेड कॉफी मग। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप इसमें गर्मा गर्म कॉफी डालोगे तो अप टू 4 आवर्स के लिए वो गर्म रहेगा, और कुछ भी डालोगे ठंडा तो अप टू 8 आवर्स के लिए वो ठंडा रहेगा। और कैपेसिटी है इसकी 350 ml की। ऊपर में आप चाहो तो स्ट्रॉ डाल के भी पी सकते हो। अगर आपको इसको एज अ सिपर यूज करना हो तो ये खोलो और यहां से इजिली आप सिप भी कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो भी प्लास्टिक आप यहां देख रहे हो ना, वो बीपीए फ्री है, फूड ग्रेड प्लास्टिक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडस वैली के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बड़ा ही अच्छा बनाते हैं ये लोग, कोई भी टॉक्सिन्स केमिकल का यूज नहीं करते हैं। इस ब्रांड पे मुझे 100% ट्रस्ट है। मोर देन आई गेस 2 ईयर्स हो गया है मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो ये नया प्रोडक्ट है, इनकेस अगर आप ढूंढ रहे थे तो ले लीजिए, बड़ा ही अच्छा है। लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लेते हो इंडस वैली का कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ ये नहीं कोई भी प्रोडक्ट, तो कूपन कोड लगाइएगा शोना, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे भी जो प्राइस है वो रीजनेबल होता है, तो अगर आपको गिफ्ट करना हो किसी को तो बड़ा अच्छा है। वैसे सिर्फ कॉफी ही क्यों, इसमें आप पी सकते हो प्रोटीन शेक भी, पानी भी पी सकते हो। तो अंगद पीता है प्रोटीन शेक जब जिम से आता है, और जो जिम जाता है तो इसमें पानी लेकर जाता है क्योंकि ये स्पिल प्रूफ है, गिरता नहीं है, तो इसलिए वो कैरी कर लेता है। दिखने में भी बहुत सुंदर है, क्लासी है। तो किसी को गिफ्ट करना हो या खुद के लिए लेना हो, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए जाते हैं, बैठते हैं, नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं और 3-4 घंटे बाद होपफुली सोफा सूख जाए, तभी बाहर आऊंगी। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं अभी 4:45 और अभी जाके मैंने उस रूम का फैन बंद किया है। मुझे लग रहा है क्लीन तो काफी अच्छे से हो गया है। जिसके भी घर में पेट है ना, पेट हेयर्स रहते हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। या छोटे बेबीज है, वो भी गंदा कर देते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप खाना खिला रहे हो, दाल लग गया, कुछ लग गया। पर अभी भी मैं बोलूंगी कि 10-15% जो है वो बाकी है ड्राई होना। और साफ कितना हुआ है, तो काफी ज्यादा साफ लग रहा है। ऐसे कैमरा पे पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि कलर जो है ना सोफे का,
ऐसा धूप छाव वाला कलर है, तो हमेशा ना अजीब सा ही लगेगा आपको, पर एक्चुअली क्लीन काफी अच्छे से हो गया है। काश ये लोग कर्टेंस भी क्लीन करते ड्राई शैम्पू से, तो मैं वो भी करवाती, क्योंकि हमारा कर्टेन इतना बड़ा है ना लिविंग रूम वाला कि उसको खोलना लेकर जाना लाने में बड़ा ही प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो अभी वैक्यूम से ही क्लीन कर दिया करती हूँ। मैंने कैमरा कहाँ पे चढ़ा दिया है पता नहीं आपको, हम लोग बर्ड्स आई व्यू दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा एक्चुअली ना मेरे ट्राइपॉड का एक नट है वो लूज हो गया थोड़ा सा, तो जो मैं कैमरा रखती हूँ ना तो कई बार ना वो मतलब दो बार भी खोला और डाला तो लूज हो जाता है, तो वही मैं अंगद को बोल रही हूँ कि कुछ ले सकते हैं कि नहीं। पूरा ट्राइपॉड तो लेना तो महंगा पड़ जाएगा, मेरे पास सोनी का ट्राइपॉड है और ये ट्राइपॉड भी ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको चेंज भी नहीं करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम लोग ने जब स्टार्टिंग में ना डीएसएलआर लिया था, तो डीएसएलआर लेने के बाद हम दोनों सेल्फी नहीं लेते थे उससे, कैसे लेंगे, बहुत ही हैवी होता है, और शौक था कि फोटोज जो हो वो डीएसएलआर से ही आए, तो क्या करें, तो हमने डिसाइड किया कि काम करेंगे, अगर हम ट्राइपॉड ले लेंगे, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, जस्ट रेंट के घर की बात है, तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम ले लेंगे ट्राइपॉड तो उसमें रख के हम ले सकते हैं, तो ठीक है चलो ये अच्छा आइडिया है। उस साल ना अंगद के बर्थडे में ऑफिस वाले सब लोग गिफ्ट दिया करते थे, उनके ऑफिस में ये सिस्टम था कि सब लोग मिलकर कुछ गिफ्ट करेंगे, तो सब लोगों ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो अंगद ने कहा कि मुझे क्रोमा का कूपन दे दो, मैं कुछ खरीद लूंगा खुद से, तो सारे कॉलीग्स ने मिलकर के इसको कुछ अमाउंट का क्रोमा का कूपन दिया, फिर हम लोग क्रोमा गए, वहां से ये ट्राइपॉड लिया और इस ट्राइपॉड में रख के फिर हम लोग डीएसएलआर से पिक्चर्स लिया करते थे, जैसे हमारे केरला ट्रिप वगैरह का, तो वो सब, क्योंकि मोबाइल से भी अच्छा आता है पर उतना क्लियर नहीं आता ना जो डीएसएलआर से आता है, अब वो सब हमें शौक नहीं है, अब हम लोग जो भी पिक्चर लेते हैं वो मोबाइल से लेते हैं, पर था उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ही रहता है, आधा तो ऐसे ही वीडियो से हो जाता है और खुद के लिए जो लेते हैं वो ऐसे ले लेते हैं हम लोग। तो ये ट्राइपॉड वो वाला ट्राइपॉड है जो कि स्पेशली हमने उस चीज के लिए लिया था, और फिर इसी से मैंने अपना देखिए यूट्यूब भी स्टार्ट किया और अभी 3 साल से मैं इसी से कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो मेरे को ना बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है इससे, जर्नी है इस लैब एक ट्राइपॉड की, पर अब लग रहा है कि इतनी बार ये गिर गया है ना कि इसका हालत खराब हो गया है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर चला सकते हैं तो चलाऊं, तो भाई मैं इसको बोल रही हूँ स्क्रू ला दो, आटा लगा है, तेल लगा है, इतनी बार गिरा है, मैं जानती थी अगर ये पॉइंट बोलेगा, वहां पे हम लोग लेके गए उसको, जहाँ पे भी जाते थे वहां पे साथ में लेके जाते थे, लगेज में ये रहता ही रहता था। अभी क्या होता है ना कि जैसे कुकिंग कर रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कई बार आटा वाले हाथ से छू लिया, और क्योंकि आपको खुद ही करना मैनेज करना है, तो मेरे को अंगद बहुत चढ़ाता है, जब भी देखेगा ट्राइपॉड ये क्या तुम्हारे ट्राइपॉड में आटा लगा है, दाल लगा है, क्या हाल बना रखा है इसका, मैं क्या करूं, ब्लॉगिंग के टाइम पे एक हाथ से रखना पड़ जाता है, तो वो चढ़ाता है मुझे, तो मुझे पता था ट्राइपॉड की बात आ रही है तो लाइन ये बोलेगा कि क्या क्या नहीं लगा है इसमें। एंड जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से जहां ट्रेवल किया इनको लेकर के गए, अभी गुजरात गए तो वहां भी लेकर के गए, सब जगह गए, देखते हैं कब तक चल सकता है, नहीं एकदम ही खराब हाल हो जाएगा तो फिर हटाना पड़ेगा। क्या आप लोग भी ये फॉलो करते हैं मुझे बताइएगा, मैंने तो हमेशा से ये फॉलो किया है कि कभी भी कोई आपको कुछ भी चीज अगर डब्बे में करके देता है ना तो कभी भी खाली डब्बा वापस नहीं करना चाहिए, तो हमारे लिए कुछ आया था कहीं से, तो जब ये डब्बा वापस करने का टाइम आया तो देखिए मैंने इसमें क्या डाल दिया है, मैंने इसमें डाला है भाकरवाड़ी, हस्बैंड बताइएगा जो चीजें भूल जाते हैं और उसकी वजह से आपके दिमाग पे बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। वो अंकल ना चीजें बहुत ज्यादा भूल जाता है, जैसे अभी मैंने सब कुछ कर दिया, उस डब्बे में डाल दिया जो देना है किसी को, तो जिनको देना है उससे मिलने के लिए अंगद अभी जा रहे हैं, तो मैंने वहां पे रख दिया, इसीलिए फॉयर में जाकर के रख दिया कि निकलते वक्त अंगद लेते हुए जाएगा, और मैं अभी कुछ काम कर रही थी, जब तक आती हूँ अंगद निकल चुका था, देखती हूँ तो वो डब्बा वहीं का वहीं रखा है, फटाफट उसको फोन किया, लकीली वो नीचे ही था, कि अंगद ये डब्बे तो लेके जाओ, तो अरे हाँ हाँ मैं भूल गया
तो पता है ये छोटी छोटी चीजें वो भूल जाता है ना, इससे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है मैंने याद दिला दिया वो लेके चला जाता है, राइट? नहीं, ये है बड़ी बात। पता है क्यों बड़ी बात है? क्योंकि अगला जो है ना, मतलब एक बंदा भूल रहा है, उसकी जो दूसरा बंदा है ना, उसको इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है हर चीज को याद रखने का ना, कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि हर चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अंगत पे आप रिलाई नहीं कर सकते। चीजें भूलने की उसको बड़ी आदत है, और मेरे अंदर ये आदत बिल्कुल नहीं है, एंड थैंक गॉड मेरे अंदर ये आदत नहीं, क्योंकि अगर दोनों एक जैसे होते तो गाड़ी कैसे चलती। यहाँ पे मैंने जो ये बुद्धा स्टैचू रखा है ना, ये मुझे ना शुरू से मन था, जब से मतलब इस घर में इंटीरियर क्या करूंगी मैं, क्या डेकोर करूंगी, जब भी मैं ये सोचती थी ना, तो कुछ ऐसे कॉर्नर्स थे जिसके लिए मेरा एकदम फिक्स था कि मुझे क्या करना है। होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा अगर आप घर बनवा रहे हो, कि कुछ एरिया आप देखते हो, देखते ही आपको लग जाता है कि यहाँ पे यही होना चाहिए। वैसे ही मेरा बहुत मन था कि यहाँ पे एंटर होते ही सामने मुझे एक ना बहुत ही प्यारा सा बुद्धा का स्टैचू चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि वो जो होना चाहिए स्टैचू ना, वो फुल बॉडी ना हो, सिर्फ हेड हो, बहुत ही अच्छा सा पीसफुल सा मुझे लगे देखने से। पर जब मैंने ये ढूंढना शुरू किया ना, उस टाइम पे मुझे कहीं पे ऐसा बड़ा सा बुद्धा हेड नहीं मिल रहा था, और मैं बहुत सोचती थी कि लूंगी तो मैं यही लूंगी। कहते हैं ना कि आप मैनिफेस्ट करते हो चीजों को, तो जरूरी नहीं है कि लाइफ में बड़ी बड़ी चीजों को ही आप मैनिफेस्ट करो, आप ना छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करते हो। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली हमने इसको मैनिफेस्ट कर लिया है, हम उसको सोचते रहते हैं अपने लिस्ट में लिख लेते हैं, ध्यान उसी पे रहता है, फिर कहीं आते जाते आपको अचानक से वो चीज दिख जाती है और आप खरीद लेते हो, आप सोचते हो कि चलो अच्छा वो मिल गया, पर एक्चुअली आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन ट्राई करना हो ना लाइफ में, आपको लगे कि कुछ बड़ा बड़ा मैं सोच रही हूं पता नहीं वो कब हो, तो छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करिए। कुछ ऐसा जो आपको लगे हाँ ये हो सकता है मेरे साथ, मैं थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दूं तो ये हो सकता है, तो उस तरीके से ना आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैनिफेस्ट होती है चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी भी जो मैंने मैनिफेस्ट करी है, उनमें से एक है ये वाला। तो मैं ना सोचती रहती थी कि मुझे ऐसा ही चाहिए, और हर महीने दो तीन बार तो होम सेंटर सब जगह हम लोग जाते ही थे, क्योंकि घर बन रहा है तो आप जाओगे, और कहीं भी नहीं मिलता था मुझे बैंगलोर में। इनफैक्ट कई सारे जो होते हैं ना, जहाँ पे गमले वगैरह मिलते हैं, वो लोग भी बनाते हैं कुछ सारे स्टैचूज, मैं वहां भी अलग अलग जगह जाया करती थी, पर कहीं मुझे इतना सुंदर सा बड़ा सा उस टाइम पे नहीं मिलता था। और ये मैं बोल रही हूँ आज से 4-4.5 साल पहले की बात है एक्चुअली। फिर एक दिन अचानक से, मुझे आज भी याद है, मैं गई थी, अब नाम तो मैं भूल रही हूँ, एट होम था या होम टाउन था, कोई एक ऐसा ही शॉप था, दुकान के ना सामने एकदम मॉल में, जैसे मैं ऊपर गई मैं देखती हूँ सामने उन लोगों ने डिस्प्ले पे ये वाला रखा हुआ है। देखते ही दूर से मैंने अंगद को बोला, अंगद यही है जो मुझे चाहिए, चलो। मुझे नहीं पता था दाम क्या है, नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं था, पर मैंने मन में ठान लिया ये तो लेना ही लेना है। तो जैसे वहां गई मैंने इसको फिर फटाफट लिया, अंगद ने मुझे बोला ये बहुत बड़ा है, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इमेजिन करने में लगता है ना कि पता नहीं घर में कैसा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने कहा सब अच्छा लगेगा, मुझे यही वाला चाहिए, और फाइनली मैंने ये लिया। तो इस तरीके से मैं मानती हूँ लिटरली कि जो चीजों को मैंने मैनिफेस्ट किया है ना, उस लिस्ट में ये चीज भी है। One hour later. जिम करना हो गया और बनाऊंगी डिनर, उसमें बनेगा चिकन। तो जाने से पहले ना फ्रीजर से निकाल करके गई थी, पर देख रही हूँ अभी भी थोड़ा सा बर्फ है, अभी मौसम ठंडा है ना, टाइम लगता है, पर खैर मेरा काम निकल जाएगा। बड़ा ही इजी सा रेसिपी बनाऊंगी, टेस्टी, जो रोटी पे अच्छा लगे। और पता है इतना अच्छा लग रहा है ना कि कॉन्टिन्यूअस मैंने ना लगभग अभी 7-8 दिन हो गए हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, मैंने एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया है जिम करना। इनफैक्ट वीकेंड में भी एब्सेंट नहीं हुई हो ना, ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा पुश करना पड़ता है अपने आप को, जो 15 मिनट का टाइम होता है ना, जब आप सोचते हो कि चलो अब जिम जाने का टाइम हो रहा है, तो 15 मिनट जो उससे पहले का टाइम है ना, उसमें आपको बहुत सारे ना ख्याल आते हैं मन में, मतलब आपको मन करता है छोड़ो ना, आज बहुत थक गए, आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, अभी एक दिन तो छोड़ ही सकते हैं। वो 15 मिनट अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो ना कि नहीं, जो सोचा है वो करना है, उसके बाद आप जब वहां से घर से जिम तक जाते हो, स्टार्ट करते हो करना, फिर आपको इतना अच्छा लगता है, ये मैं रोज देख रही हूँ। एक बार बेड मतलब जाती हूँ ट्रेडमिल पे, गाना लगाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही इतना अच्छा लगता है कि हाँ चलो जो सोचा था वो हो गया। मतलब ये होता है, 15 मिनट की बात होती है, और ये हर चीज में होता है, सिर्फ उसमें ही नहीं, इनफैक्ट खाना बनाने में भी होता है कि जब कुकिंग करने के लिए आते हो, फिर सोचते हो क्या करें आज, कुछ इजी बना ले गया,
क्या बनाए ना बनाए, बड़ा आलस आ रहा है। और जहाँ पे विंटर बहुत पड़ता है ना, वहां पे ये चीज विंटर्स में तो खास करके फील होता है, रजाई से निकल के आपको आना है खाना बनाने के लिए। वही अगेन 10 मिनट का टाइम है कि आपको अपने अंदर लाना है कि नहीं नहीं बनाना तो है ही, और आप उठ जाते हो, एक बार ही काम करना स्टार्ट कर देते हो, फिर काम भी हो जाता है, और काम होने के बाद खुद को शाबाशी देने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो जो सोचा था वो कर लिया। तो वैसे ही मैंने सोच लिया है, ठान लिया है एक्चुअली कि करना ही करना है, तो बस जाना है जिम। वेट लॉस होना हो पर उससे जो अंदर में जो मतलब बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत फ्रेश फील होगा, आपको लगेगा कि चलो ठीक है जो खा रहे हैं वो गिल्ट फ्री खा सकते हैं, पूरा दिन सिर्फ बैठे नहीं है, कुछ काम भी किया है। एनीवेज अंगद का भी चालू है मुझसे, अगेन वो भी आज थोड़ा सा लेट आया था तो वो अपना कंटिन्यू कर रहा है, मैं अपना करके आ गई फटाफट खाना बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। ये जो मैं अभी चिकन बनाऊंगी ना, इसमें मेन है खड़े मसाले, मतलब जो भी इसमें मसाला पड़ेगा ना वो हमें पीस करके बनाना है, तो जो एक्चुअल टेस्ट इसका आने वाला है ना उन मसालों की वजह से ही आने वाला है। पाउडर मसाले भी इसमें यूज होंगे पर जो पीसे हुए ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। में डालेंगे एक तेज पत्ता, उसके बाद में थोड़ा सा लौंग, ऐसे अंदाजे से ही लौंग डाल दिया मैंने, और ये ब्लैक पेपर, एक सूखी लाल मिर्च, फिर जीरा, और इलायची 2 से 3 डाल दूंगी, और थोड़ा सा ये दालचीनी, एकदम ही थोड़ा सा, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग आएगा नहीं तो। कोई भी चीज ना आप घर के मसाले से बनाइए और वही आप बनाइए मार्केट वाले मसाले से, इतना डिफरेंस आएगा ना, सेम प्रोसेस में भी टेस्ट आपका वैरी करेगा, क्योंकि घर के जो ये रोस्ट किए हुए मसाले होते हैं ना जो एकदम फ्रेश वाले होते हैं, इसकी बात ही कुछ और होती है। इतना सुंदर कलर आया है, बहुत ही स्ट्रांग होता है इसका जो फ्रेग्रेंस होता है ना, फ्लेवर भी। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लिया है, ऑलमोस्ट फुल मून जैसा है, और कितना चमक रहा है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मेरे बालकनी से सामने दिखता है, 11:30 बजे रात तक तो रहता ही है, बाद में दिखता नहीं है, पर तब तक बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरा जो बर्थडे है दैट इज 2nd of December, सो जो 2nd नंबर होता है दैट इज रूल्ड बाय मून, तो इसीलिए भी शायद अट्रैक्शन सा लगता है। छोटा सा मेहमान आ गया घर हमारे, वैसे ये पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कीड़ा, बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है ना, बेज एंड ब्लैक का कैसा स्ट्राइप्स है ये। मैंने दरवाजा खोला था ना, बस लाइट देख के आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर को अच्छे से यहाँ पे चॉप कर लिया है, और यहाँ पे अपना जो चिकन है तब तक में थोड़ा थोड़ा सा पक रहा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। क्या बस ये अच्छे से सीज जाएगा, उसके बाद में इसमें डाल दूंगी पहले टमाटर, फिर टमाटर के साथ में भी अच्छे से पका लूंगी, जब थोड़ा सा तेल छोड़ने लगेगा ना यहाँ से, उसके बाद में लास्ट में ये जो पाउडर मसाला हमने किया है ना वो इसमें स्प्रिंकल कर देना है। और ऑलरेडी इसमें ना तीखा भी है, क्योंकि इसमें सूखी लाल मिर्च भी है तो तिखास भी है, उसके बाद में इसमें वो भी है ब्लैक पेपर भी है, तो अलग से मिर्ची वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। और ग्रीन चिली तो मैंने डाल ही दिया था अदरक लहसुन के साथ में, तो ऑलरेडी बहुत तीखा है, तो लाल मिर्ची पाउडर आप डाल सकते हो,
कलर के लिए अगर आपको चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर उसमें ऐड कर दो और ऊपर से आपको कोई भी गरम मसाला चिकन मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है, सारा फ्लेवर इसमें मसाले का आएगा। चिकन को ना और 2 से 3 मिनटों के लिए मैं पकाऊंगी और मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा डाल दो पानी तो भी अच्छा लगेगा, पर ऐसे ना रोटी पे बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए टमाटर मैंने बड़ा करके डाला था ताकि अच्छे से ना ग्रेवी आ जाए इसकी। लास्ट में ना थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर देना है। चिकन बन गया, बस मुझे गर्मा गर्म रोटी बनानी है और फिर करेंगे हम लोग डिनर। अगर आपने कभी इस तरीके से चिकन नहीं बनाया है तो एक बार बना करके देखिए। और चिकन ही क्यों, आप ऐसे मटर पनीर भी बना सकते हैं, आलू गोभी की सब्जी बनाइए, सेम मसाला यूज करिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।